नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे कस्टम रूम्स की। दोस्तों, हमारे हर एक के स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई ना कोई फर्मवेयर होता है जिसे हम प्यार से रोम कह सकते हैं। और जब भी आप डब्बा खोल के पहली बार फ़ोन को ऑन करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर उसमें लोड होता है वो उसका स्टॉक रोम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वन प्लस डिवाइस है तो ऑक्सीजन ओएस बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार फ़ोन ऑन करते हैं तो ऑक्सीजन ओएस बूट होता है और वो ऑक्सीजन ओएस आपकी स्टॉक रोम है। सैमसंग यूज़र्स के लिए सैमसंग एक्सपीरियंस रोम है और ऐसे ही गूगल यूज़र्स के लिए, गूगल के पिक्सल यूज़र्स के लिए ASP जो स्टॉक रोम होती है वो स्टॉक रोम है। अब आती है कस्टम रोम। आपकी स्टॉक रोम के अलावा कोई भी OS अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, कोई भी फर्मवेयर अगर आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं तो ऐसी रोम को कस्टम रोम कहते हैं। तो अब जानते हैं कस्टम रोम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली वीडियो में, मैंने आपसे बात की थी कि कुछ कैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए काफ़ी जागरूक होते हैं, वो काफ़ी टाइमली डिलीवर करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स को और काफ़ी ज़्यादा तरीके से, मतलब जैसा गूगल जिस लेवल पर पैचेज होते हैं, गूगल के सिक्योरिटी पैचेज होते हैं उसी लेवल पर पैचेज वो रिलीज़ करते रहते हैं लगातार। तो बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आपके पास ऐसे किसी मैन्युफैक्चरर का स्मार्टफोन है, आप ऐसे किसी स्मार्टफोन के यूज़र हैं जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आनी बंद हो गई हैं पर आपका हार्डवेयर बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर आप कोई नई सॉफ्टवेयर फीचर जो एंड्रॉयड, जैसे मान लीजिए आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड 8 पे चल रहा है, ओरियो पे चल रहा है और उसमें 9 की अपडेट अभी तक नहीं आई है और गूगल ने 9 रिलीज़ कर दिया है, तो ऐसे में कोई भी एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड कस्टम रोम अगर आप अपने फ़ोन में फ्लैश करके उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कस्टम रोम के ज़रिए कर सकते हैं। ये आप अपने फ़ोन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने स्मार्टफोन में अपडेट्स देनी बंद कर दी है तो कस्टम रोम्स, क्योंकि अलग से डेवलप हो रही हैं आपके फ़ोन के लिए, तो आप उन्हें इंस्टॉल करके उसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स पा सकते हैं। अब दोस्तों, कस्टम रोम्स ऐसा नहीं है कि अगर आप लेटेस्ट कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे रही है आपको, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आ रही है तो बहुत ज़्यादा सेफ या सिक्योर होगी, क्योंकि कस्टम रोम कोई थर्ड पार्टी डेवलप कर रही है, कोई जाना माना मैन्युफैक्चरर डेवलप नहीं कर रहा है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लें जो पहले से ही किसी हैकर ने डेवलप की है, जिसका मकसद ही इल है, जिसका मकसद ही आपको नुकसान, आपके यूज़र डेटा को नुकसान पहुंचाना है। तो ऐसे में कस्टम रूम्स हमेशा रिलायबल सोर्सेज से डाउनलोड करनी चाहिए, हमेशा रिलायबल तरीके से इंस्टॉल करनी चाहिए, क्योंकि कस्टम रूम इंस्टॉल करने में आपको आपका मैन्युफैक्चरर मदद नहीं करेगा सिवाय वन प्लस के, क्योंकि वन प्लस बूटलोडर अनलॉक करने के बाद भी आपको वारंटी वॉइड नहीं करते हैं, आपको वारंटी सपोर्ट देते हैं। तो वन प्लस के अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरर, जहाँ तक मुझे पता है, आपको कस्टम रूम्स के बारे में सपोर्ट नहीं देगा। और हुआ है जैसे मैन्युफैक्चरर ने तो बूटलोडर अनलॉकिंग कोड्स देने भी बंद कर दिए, तो आप Huawei की डिवाइसेस में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे कस्टम रोम्स को, जहाँ तक मुझे पता है। तो कस्टम रोम के सोर्सेज आपको बहुत ही वाजिब होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सोर्स से इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टम रोम इंस्टॉल करके आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और अगर आप कस्टम रोम पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आप Lineage OS को ट्राई करिए, क्योंकि Lineage OS काफ़ी लंबे समय से डेवलप हो रही है, वो कंसिस्टेंट है, काफ़ी समय से कस्टम रोम डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी रोम्स काफ़ी स्टेबल भी हैं और वो प्रेजेंटली ओरियो और कुछ के लिए तो नूगट अपडेट्स भी दे रहे हैं। तो आप Lineage OS ट्राई कर सकते हैं। आप XDA डेवलपर फोरम में अपनी पर्टिकुलर डिवाइस का फोरम विजिट करके ये पता कर सकते हैं कि आप कैसे अपना बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा होगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन में कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक सारा गाइडेंस देंगे। तो आप XDA डेवलपर फोरम विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके स्मार्टफोन के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स मिल जाएंगे और Lineage OS ट्राई करिए, ये काफ़ी अच्छा कस्टम रोम है। और दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने अपने Nexus 6P में एक कस्टम रोम फ्लैश की थी जिसका नाम है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैं इस वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाओ कि कस्टम रोम से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मेरा स्मार्टफोन जो Nexus 6P है वो Android 8 मतलब कि ओरियो पे चल रहा है और मैं नूगट के कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि कैसा फील आता है नूगट के एक्सपीरियंस में। तो मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस रोम अपने स्मार्टफोन में फ्लैश किया था और बस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया, कमेंट में मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, वीडियो कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ये कमेंट में बताइए मुझे, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं ये वीडियो, इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।